हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके पास अगर ड्राइवर नहीं है तो आप ऑल इन ड्राइवर पैकेज जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपना पीसी में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आने के बाद आपको इस तरफ ये जो फ्री डाउनलोडिंग वाला आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तब जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आपको कुछ सेकंड वेट करने के बाद फिर से दोबारा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये दूसरा वाला पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। तो बैक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आपको यहीं से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरा पीसी में जो है ये टूल डाउनलोड है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरफ आपको एक फोल्डर में आएगा। तो फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जैसे मेरा चैनल का ही नाम पे आएगा, तो यहाँ से आपको इस तरफ ओपन कर देना है। और ये वाला है जो टूल है, इसको आपको राइट क्लिक करना है और रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर दे देना है और यस कर देना है। अब जैसे ही यस करोगे इस तरफ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जितना भी जो भी है आपका क्वालकॉम सीपीयू वाला जो यूएसबी ड्राइवर है, यहाँ पे क्वालकॉम का मिल जाएगा, सैमसंग का, एमटी का, मतलब वन इन पैकेज है। आपको इसमें 32 बिट का भी मिलेगा और 64 बाइट का भी मिलेगा। तो आपको मान लीजिए यहाँ पे जो भी ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर जो है इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यस कैंसिल कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, फिनिश। तो मेरा पीसी में अभी ड्राइवर जो है इसमें इंस्टॉल है। तो आपको जो भी ड्राइवर इसमें चाहिए, नोकिया का, ADB फास्ट बूट मोड, MTP, आपको जो भी ड्राइवर, मतलब इसमें ऑल इन ड्राइवर पैकेज है, आप किसी पे भी आपको क्लिक करके ऑल यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो अपना पीसी में। तो यहाँ पे MTK का भी ड्राइवर है। तब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पीसी में ड्राइवर नहीं है तो आप इस तरफ इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टूल का जो है इस तरफ इंटरफेस है। तो आप इस टूल के अंदर, मतलब आपको जो भी ड्राइवर चाहिए 2023 का, वो सारा इसमें मिल जाएगा आपको।